टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसका रिवीजन करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें इंटरेस्ट की बात आएगी सबसे पहले, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि आज आज अगर हम ईयर ज़ीरो, टाइम ज़ीरो या टुडे की बात करें, आज अगर वन रुपी है तो क्या ये वन रुपी आफ्टर वन ईयर क्या वन रुपी ही रहेगा? नहीं, विद इंटरेस्ट ये सपोज वन रुपी टेन पैसा हो जाएगा। तो अगर ये वन रुपी टेन पैसा हो जाएगा तो ये आज का वन रुपी ही तो वन रुपी टेन पैसा हुआ है। इसका मतलब आज का एक रुपया और एक रुपये दस पैसा एक साल बाद का दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब एक रुपया आज का और एक साल बाद का एक रुपया सेम नहीं है। तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर हम ये कहें कि एक रुपया एक साल बाद का आज कितना होगा, 1/1.10 मतलब 0.909, तो एक रुपया एक साल बाद वाला आज का 91 पैसे के बराबर ही होगा। तो ये इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से होता है। इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में हम लोगों को फॉर्मूला लगाना होता है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, जहाँ पर P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा स्टार्टिंग में पैसा लगाया जाता है, और यहाँ पर अगर हम R की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसे I भी बोला जा सकता है। T का मतलब टाइम होता है, और अमाउंट अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम अमाउंट बोल देते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। जैसे 2000 पर 6% टू ईयर्स का, तो PRT/100 बच्चों के लिए लिखा जाता है, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसा हमने पार्टनरशिप में बहुत बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह निकाला है। तो एक तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हमसे ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT होता है, अपॉन 100 लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट दे दिया जाए, प्रिंसिपल अमाउंट दे दी जाए, रेट दे दिया जाए, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम दे दिया तो रेट निकल सकता है, और अगर हमें रेट और टाइम दे दिया तो प्रिंसिपल निकल सकता है, और अमाउंट दिया है तो वहाँ पर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऐसे कोई और इन्फॉर्मेशन भी हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कपिल ने डिपॉजिट किया है 7.5 ईयर के लिए 6% रेट पर, और उनको मिले हैं 1,01,500, तो उनका इनिशियल अमाउंट कितना था? तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, PRT/100, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, फिर अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इस अमाउंट को हम 1,01,500 के इक्वल रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा P। कितना आ जाएगा P? 70,000 rupees। देखें कैसे आता है। तो इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले, तो इंटरेस्ट है 6 × 7.5 upon 100.45, तो यहाँ पर आ गया 0.45 P। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू 1,01,500, तो 1.45 P इक्वल टू 1,01,500, P इक्वल टू 1,01,500 डिवाइड बाय 1.45, 70,000। तो ये हमारा सिंपल हो गया, हमें एक वैल्यू पता है तो हम दूसरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, मान लिया हमने इनिशियली आपने 1,000 rupees इन्वेस्ट करे प्रिंसिपल, और अगर इंटरेस्ट है
10%, तो सिंपल इंटरेस्ट 100 आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 आ जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर 1100। और जब इंटरेस्ट हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में 100 ही आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल पर ही निकलता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा, लेकिन यहाँ पर 1100 पर 110 आएगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स 1200, यहाँ पर हो जाएगी 1210। तो दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है, सेकेंड ईयर से डिफरेंस आना शुरू होता है। यहाँ पर डिफरेंस आता है, उसका रीज़न क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम कैसे निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, ईआरटी अपॉन 100, 1000 इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स का 200 आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा सीधा अमाउंट का होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n या t, तो 1000 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2, तो 1000 इंटू 110, तो ये हो जाएगा 1.21, दैट इज 1210। तो 1210 अमाउंट आ गया, और अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल लेस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 210 रुपीज़, 1210 माइनस 1000। तो देखिए 100 प्लस 110 210 ही आ गया। तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल हो गया प्रूफ कि बिल्कुल सही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी और सिंपल इंटरेस्ट का भी। तो हमारे को दोनों निकालने आ गए, एक सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग एक पीरियड से ज़्यादा, एक पीरियड में 1 ईयर में एक बार से ज़्यादा कंपाउंडिंग हो जाती है। जैसे हम हर 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट निकालने लगे, या हर 3-3 महीने बाद निकालने लगे, हर महीने निकालने लगे, तो क्या होगा, तो इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। साल में कितनी बार हो रही है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर एम है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t या m। और अगर हमारा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर एम है, मतलब 6 महीने में होती है तो साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, हर 4 महीने में होती है तो साल में 3 बार होगी, हर 3 महीने में होती है तो साल में 4 बार होगी, हर 1 महीने में होती है तो साल में 12 बार होगी, तो इसे m बोलेंगे m। तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले में हल्का सा चेंज करना होगा, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी तो रेट हमारा कम हो जाएगा और टाइम हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो टाइम में हम m की मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको, रेट को और n में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा रहता है फॉर्मूला जो चेंज हो जाता है। सपोज हम लोग 1000 का 10% रेट है और 3 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं, तो ये आंसर आएगा। और यहीं अगर हमारी कंपाउंडिंग 6 मंथली हो जाएगी तो हमारा आंसर ऐसे चेंज हो जाएगा, 6 मंथली हो जाएगी। तो साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो m का मतलब 2 हो गया 2 हो गया, तो यहाँ 6 को कुछ नहीं करना है, 6 मंथ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइम को चेंज करना है और रेट को चेंज करना है। तो हमें नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से सब कुछ करना है, m निकालना है, m से ही टाइम को मल्टीप्लाई करना है और रेट को हमें डिवाइड करना है। तो ये कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अलावा इसमें भी वही है, अगर हमें अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, r पूछा जा सकता है, n पूछा जा सकता है, p पूछा जाता है, a पूछा जा सकता है, i पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो जो चीज मिसिंग है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, नहीं तो चार ऑप्शंस हमें आंसर दे रखे होते हैं एग्जाम में, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव रेट क्या, क्योंकि कंपाउंडिंग एक साल से ज्यादा हो रही है एक साल में, तो इफेक्टिव रेट एक साल से ज्यादा आता है। तो बहुत सिंपल है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, और यही कंपाउंडिंग का आंसर आ जाएगा आपका। कैसे देखो, ऐसे आ जाएगा, 10,000 है, 6% है, सेमी एनुअली मतलब हाफ एली होती है। तो हमें 10,000 का कुछ नहीं करना है, सिंपल ₹100 पर निकालिए, रेट है 6%, साल में 2 बार है तो रेट हाफ हो जाएगी, एक साल का निकालने को बोला मैंने, तो ये आंसर जो आएगा वही ये आएगा अमाउंट हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले ये देखते हैं ये कितना आ गया, ये आ गया 106.09, तो इंटरेस्ट आ गया 6.09, और यही हमारा इफेक्टिव रेट है। देखिए यही हमारा इफेक्टिव रेट है। तो बहुत सिंपल है, ₹100 पे एक साल का निकालो, एक साल में जितनी कंपाउंडिंग है मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेट हमारी डिवाइड हो जाएगी, एम से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ईयर में इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 1 ईयर में कितना इफेक्टिव रेट है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें इफेक्टिव रेट के बाद ये खत्म हो गया, इसके बाद आता है हमारे पास एनुइटी। देखिए एनुइटी है, एनुइटी में हमारे को फ्यूचर वैल्यू भी निकालनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी होती है। तो एनुइटी रेगुलर हो सकती है, इमीडिएट हो सकती है। एनुइटी रेगुलर मतलब एक साल बाद शुरू होगी, इमीडिएट मतलब अभी से शुरू होगी। तो एनुइटी रेगुलर एक साल बाद शुरू हो रही है, और एनुइटी इमीडिएट अभी से शुरू हो जाती है। यहाँ पर ईयर एंड लिखा है, यहाँ ईयर बिगनिंग लिखा है, हम इसे ऐसा लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो कंपाउंड का फॉर्मूला लगाना होता है। कंपाउंड में अमाउंट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर NET, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर N। ये सिंगल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, एक फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर में क्या आएगा, 3000 को 2 साल के लिए कर रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 3763 3, तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मतलब एक साल बाद से एन्युटी स्टार्ट हो रही है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर वैल्यू का सम हो जाएगा, क्योंकि एन्युटी का मतलब हर साल पैसा मिल रहा है, तो हर साल पैसा हो रहा है तो उसके लिए सम हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू का, एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो मैंने अभी अभी बताया था ये था फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये क्या था, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या था, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर N, और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है सम ऑफ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। या तो आप सब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकाल के आपके कैलकुलेटर में GT का बटन है उसका यूज कर ले आ जाएगा, नहीं तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस 1 अपॉन R अपॉन 100 कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा रेगुलर एन्युटी, जैसे इन्होंने निकाला है ये 4.375, ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला है इन्होंने 6% का 4 इयर्स का। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर 100 ना लिखूं, अगर डिवाइड बाय 100 ना लिखूं तो फॉर्मूला ये दिखाई देता है 1.06 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 0.06, क्योंकि 6% का मतलब ये होता है 6 अपॉन 100,
तो 1.06 इंटू 1, 2, 2, 3, 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.06, तो ये आ गया 4.375। ये देख सकते हैं आप, तो 4.375 आ गया है। ये आप अपने कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। तो ये हमें एग्जाम में दिया भी हो सकता है, नहीं तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा भी है, ये रहा, यहाँ आई लिखा है, मैंने आर बोला आपको। तो यहाँ से हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट, मैं आपको बहुत सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट निकालने के लिए आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर को 1+r से मल्टीप्लाई करना, पास और कुछ नहीं करना। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट आ जाएगा और फिर उससे आंसर आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल लो पहले और आंसर को 1+r से मल्टीप्लाई कर दो, जो पहले का आंसर निकाला था उसे 1+r से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारा प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कह देते हैं, और ये हम उसी फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूले से ही निकाल भी सकते हैं। कैसे, हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r, अगर मैं 100 ना लिखूं तो ये फॉर्मूला था हमारा। अब यहीं से अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1+r की पावर n, और इसे हम बोल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया 1/1+r/100, चाहे तो लिख सकते हैं, बड़ी क्लासेस में अपॉन 100 नहीं लिखा जाता। आप ये भी कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1/फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है 1/प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि ये सब ऐसे ही एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक है। तो पूछा है कि हमसे व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1, एक रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक रुपए को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, 1/1+r/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज करते हैं। अब हमारी एन्युटी हो सकती है, एन्युटी मतलब हर साल एक जैसा पैसा है, रेगुलर एक साल बाद से शुरू हो रहा है, और हमें उस सबकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो हमें अगर उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत होता है। जैसे हमें लोन लेना है और रीपेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट में करनी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट करनी है, और लोन आज लेना है, तो जितनी इंस्टॉलमेंट देनी है उस हिसाब से लोन आज का निकालना है। तो हमारा क्या होता है, सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो यहां से इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, लोन की अमाउंट पता होती है तो एन्युटी मतलब हर साल इक्वल अमाउंट, तो यहां से लोन की रीपेमेंट की इंस्टॉलमेंट आ जाती है प्रैक्टिकली क्वेश्चन में। तो यहां पर हमें क्या सीखना, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे आएगा। तो 1-1/1+r की पावर, यहां पर प्लस था ये, तो ये प्लस है, r की पावर n, तो 1-1/1+r/n/r, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है। तो अगर हम इसे लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। अब हमें अगर एन्युटी इमीडिएट हो, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ लिखा है, इन्होंने बोरो करें 5 लाख रुपए घर लेने के लिए, तो बोरो कब करें होंगे, आज। तो प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, बस ये संभालना है, समझना है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है या फ्यूचर वैल्यू। आज लोन लिया है तो 5 लाख आज की वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, रीपेमेंट हो रही है 20 साल में, तो कितना पेमेंट करना है, 10% का रेट है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एन्युटी वाला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो 5 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 20 साल का निकालना है,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1.10 की पावर 20 अपॉन 0.10। अब आपको लग सकता है ये कितना मुश्किल काम है, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। देखो लिखो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां से 1 अपॉन 1.1 से, तो लिखेंगे 1 अपॉन 1.1, ये एक बार हुआ 1 और ये 2 ये 3, ऐसा करके 20 टाइम्स करेंगे, ये 20 टाइम्स कर दिया, ये आ गया 0.1486 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1, तो ये हो गया 8.51। तो ये यहां पर लिखा भी है 8.51356, यही वैल्यू है जो हमारी निकली है। ये आ गई है, अब हमें निकालना है 5 लाख इक्वल टू, 5 लाख की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 लाख इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 8.51356 और आंसर आ जाएगा 58,729। तो 20 साल के लिए अगर 5 लाख का इंस्टॉलमेंट, 5 लाख का लोन लेते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारी 58,729 आएगी। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो लग जाती है। एन्यूटी इमीजिएट, मैंने आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मेथड समझाया था पहले भी, क्या फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इमीजिएट निकालने के लिए मैंने कहा था फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो 1+r की। यहाँ पर भी प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर इमीजिएट में मैं आपको बताऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो 1+r की, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, वहां पर भी मल्टीप्लाई होता है और आंसर आ जाएगा। सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस होते हैं, सिंकिंग फंड में वही फॉर्मूला लगाते हैं जो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला होता है। देखिए फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर वाला लगा है, सिंकिंग फंड जनरली हमारा डेप्रिसिएशन या डिबेंचर के केस में यूज होता है। तो ये था हमारा एन्यूटी वगैरह, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इनके। अगर हमें बोल रखा है वैल्यूएशन करिए बॉन्ड की, तो जितना भी पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, या अगर हम कंपनी में पैसा देंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू का सम ही वैल्यू होती है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं करना है वैल्यूएशन ऑन बॉन्ड में। परपैचुटी का मतलब होता है लगातार हमेशा इनफाइनाइट पीरियड के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी क्या होता है, एन्यूटी जितना भी पैसा एनुअली आ रहा है डिवाइड बाय रेट, सिंपल रेट, इसमें 1+ रेट नहीं है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी आता है परपैचुटी। और अगर कोई ग्रोइंग परपैचुटी है, इंक्रीज हो रहा है परपैचुटी में, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो सम होता है वो एन्यूटी अपॉन रिटर्न माइनस जी, जी का मतलब होता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जैसे यहाँ हमें बताया कि 50 रुपये मिल रहे हैं हमेशा और 7% का अर्निंग रेट है और ग्रोथ रेट 5% है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। ये था परपैचुटी। एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये होता है सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो जो पैसा आ रहा है उन सब का प्रेजेंट वैल्यू और जो पैसा जा रहा है उन सब का प्रेजेंट वैल्यू, उसका डिफरेंस। जैसे हमें अगले आने वाले 2-3 साल में पैसा आ भी रहा है, 2-3 साल में जा भी रहा है, तो जितना पैसा आ रहा है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, जितना पैसा जा रहा है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू, और आज की टर्म्स में जो पैसा आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू उसे बोलते हैं। इफेक्टिव रेट हम निकाल चुके थे, लेकिन जो नॉमिनल रेट होता है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं तो रियल रेट आ जाता है। तो ये हमें रियल इफेक्टिव रेट निकालने के लिए बता रखा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूज नहीं आते हैं ये सब इतना नहीं ज़्यादा पूछा जाता। तो ये था हमारा एन्यूटी जिसमें हम लोगों ने हर एक चीज को कवर करा थोड़े सा।